हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज और एक नया वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरे जियो के टावर से रिलेटेड पूरी डिटेल बताऊंगा। तो पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जियो के टावर लगवाने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति आपसे कोई भी पैसे मांगता है तो उसको पैसे मत दीजिएगा अगर वो पैसे मांग रहा है टावर लगवाने के लिए, क्योंकि कंपनी किसी भी तरह की चार्ज नहीं लेती है टावर को लगाने के लिए। तो इसलिए अगर कोई भी आपसे कोई भी मनी लेता है तो इसको समझ लीजिएगा कि ये फ्रॉड कर रहा है। बीच में मैं आप लोगों को एक डायरेक्ट और लीगल तरीका बताऊंगा जिससे आप लोग जियो का टावर अपने घर में या कोई भी आपकी लैंड है वहाँ पे आप लोग इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रोसेस से आप लोगों का एक फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उससे आप लोग जियो के तरफ से कुछ लोग आएंगे, वो आपके ज़मीन का या जो भी बिल्डिंग में आप टावर इंस्टॉल करवाना चाहते हैं उसका इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद वो टावर वहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ और पूरी डिटेल बता देता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जियो के टावर दो तरह के होते हैं, एक मिनी टावर होता है, एक बिग टावर होता है। जो मिनी टावर होता है उसकी 3500 रुपये पर मंथ आपको पेमेंट मिलता है, उसका रेंट मिलता है। और दोस्तों, बिग टावर का रेंट 5000 अराउंड मिलता है। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम लोगों को 10% पर 3 ईयर्स, मतलब 3 ईयर्स में आपका 10% इंक्रीज हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को इसके इलेक्ट्रिसिटी बिल या और भी सर्विस से रिलेटेड कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सब जियो कंपनी की जिम्मेदारी है, वो सब स्वयं उसके लोग आएंगे और वो अपना ठीक करेंगे। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स बता देता हूँ यहाँ से आपको कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको एक वेबसाइट खोलनी है, jio.com, जियो की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपको jio.com ओपन करने के बाद ये यूजफुल लिंक्स पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको जियो नेटवर्क पार्टनर पर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको क्या सेलेक्ट करना है कि जियो पार्टनर प्रोग्राम के लिए, मतलब मुझे बिल्डिंग में इंस्टॉल करवाना है कि लैंड या प्लॉट में इंस्टॉल करवाना है। तो चलिए, मैं अपना मुझे बिल्डिंग में इंस्टॉल करवाना है तो मैं एक बिल्डिंग में सेलेक्ट कर ले रहा हूँ एंड दोस्तों प्रोसीड कर देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको अपना लोकेशन चूज करना है, जहाँ पे भी मेरा लोकेशन है वहाँ पे मुझे लोकेशन चूज कर लेना है। जैसे देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं एक पिन नंबर डाल देता हूँ अपना कोई, या तो मैं अपनी करंट लोकेशन चूज कर सकता हूँ अगर मैं उसी बिल्डिंग में बैठा हुआ हूँ तो, या तो मैं एक कोई, चलिए मैं अपना पिन कोड डाल देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने पिन कोड डाल दिया है, ये वहाँ का एरिया ओपन होके आ जाएगा। या तो दोस्तों आप लोग, चलिए मेरे ख्याल से आप लोग सीधे से एक काम कर लीजिएगा कि करंट लोकेशन यूज कीजिएगा ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो। देखिए दोस्तों, चलिए मैं जैसे मैं बिल्डिंग का वो करता हूँ, सॉरी ये प्रेस हो गया, ये एक सेकेंड। देखिए दोस्तों, चलिए मैं जैसे ये बिल्डिंग चूज कर ली मैंने, कोई भी एक पिन नंबर में डाल देता हूँ, ये वन सेकेंड। देखिए दोस्तों, ये कंफर्म कर दिया मैंने मेरे लोकेशन। देखिए दोस्तों, ये मैंने बिल्डिंग चूज कर ली, नेक्स्ट कर दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे एक मोबाइल नंबर डाल देना है, तो चलिए मैं मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे एक OTP आएगा मोबाइल नंबर डालने के बाद, जैसे ही मैं OTP डाल दूंगा उसके बाद मेरा नंबर वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए मैं इस नंबर को वेरीफाई कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा नंबर वेरीफाई होने के बाद ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद हमको यहाँ पे देखिए एबल व्हाट्सएप असिस्टेंट भी ऑन कर देना है ताकि वो लोग हमसे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकें। इसके बाद चलिए मैं अपना फुल नेम डाल देता हूँ, यहाँ पे हमको कुछ डिटेल देनी होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको एड्रेस डाल देना है, जो भी हमारा प्रॉपर्टी एड्रेस करके डाल देते हैं। देखिए दोस्तों, ये सेम हमारा जो एड्रेस मैंने लोकेशन पे सेलेक्ट किया था, ये देखिए सेम टू सेम वही एड्रेस इसने ऑटोमेटिक ले लिया है। उसके बाद हमको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको क्या करना है, फ्लोर कितने हैं हमारे, हमको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए, मेरे 3 फ्लोर है मेरी बिल्डिंग में। उसके बाद देखिए दोस्तों, बिल्डिंग की कितना, मतलब कितने साल पुरानी बिल्डिंग है, चलिए 5 साल से कम की बिल्डिंग है। उसके बाद देखिए, सिंपल बिल्डिंग है, ये सिंगल बिल्डिंग है या मल्टीपल कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है, तो देखिए दोस्तों ये सिंगल बिल्डिंग है। उसके बाद दोस्तों हमको करना है, देखिए यहाँ पे क्या पहले से कोई टावर इंस्टॉल था या नहीं है, अगर हमारे पास कोई भी टावर पहले से इंस्टॉल था तो हमें यस करना है, उसके बाद हमको कन्फर्म। तो दोस्तों, यहाँ पे कन्फर्म करने के बाद क्या होगा कि ये एक फॉर्म हमारा सबमिट हो जाएगा, हमारी पूरी डिटेल्स एक सबमिट हो जाएंगी। उनके बाद जियो के जो पार्टनर प्रोग्राम के लोग हैं वो हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे, उसके बाद वो लोग यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आएंगे कि हमारी बिल्डिंग कैसी है क्या है, पूरा वो लोग अपनी टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद ये टावर अगर लगाने के लिए लोकेशन सही है और हमारे लोगों की बिल्डिंग सही है तो वो लोग यहाँ पे टावर इंस्टॉल कर देंगे। और दोस्तों, ये हमारा 15 साल का एग्रीमेंट वो लोग एक फिल कराएंगे, 15 साल तक वो लोग टावर यहाँ से नहीं हटाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए, जियो टावर इंस्टॉल कराने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। तो दोस्तों, यही सब खबरें मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। आप लोग दोस्तों इस तरह करके आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा, उसके बाद
वेट करिएगा जब तक आपके सर्विस एजेंट आपसे कांटेक्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस फॉर्म से आप लोग ये मत समझिएगा कि टावर लग गया, ये पूरा इंस्पेक्शन होने के बाद ही ये कन्फर्म हो सकता है, हो जाएगा कि आपकी बिल्डिंग में टावर लग सकता है कि नहीं लग सकता है। तो दोस्तों इसी तरह की नई खबरों के लिए मेरे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही दबाएं बेल आइकन ताकि मैं जब भी कोई इस तरह की वीडियो लाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।